भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच गुरुवार को भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिली। फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए। इस दौरान अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रही। राफेल लड़ाकू विमान की भारतीय वायुसेना के बेड़े में एंट्री पूरी प्रक्रिया के साथ हुई, जहां सबसे पहले सर्वधर्म पूजा की गई, जिसके बाद फ्लाई पास्ट किया गया। इस दौरान तेजस, सुखोई समेत कई अन्य वायुसेना के विमानों ने एयर शो में हिस्सा लिया और अंत में वाटर कैनन सल्यूट के साथ राफेल लड़ाकू विमान को सलामी दी गई। वायुसेना में जब भी कोई नया लड़ाकू विमान शामिल होता है तो इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमान को गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। इसी स्क्वाड्रन ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। एक बार फिर अंबाला एयरबेस पर इनकी मौजूदगी दुश्मन को हैरान कर सकती है। चीन और पाकिस्तान के साथ इन दिनों भारत का तनाव चल रहा है, जहां बॉर्डर से अंबाला एयरबेस स्टेशन पास है। ऐसे में वहां पर रणनीतिक तौर से राफेल की तैनाती भारत के लिए कारगर साबित होगी। हुकूमत ने जो लिया है इसको ये सब बहाना बना दे कि दुनिया की सारी की सारी ताकतें मान लें कि भारत क्या चीज़ है, भारत कितनी बड़ी ताकत है, भारत के अंदर क्या चीज़ है। अल्लाह इस राफेल को हमारे लिए मुबारक फरमा दे, हमारे रक्षा मंत्री को ताकत, हमारे 15 प्रधानमंत्री जी को ताकत, ऐसी इनायत फरमा, ऐसा हौसला अता फरमा कि पूरी दुनिया उनकी ताकत को माने, पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को माने। मेरी दुआ है, बार बार दुआ है, अल्लाह हमारी ताकत को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे जवानों के अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसा हौसला और उनके साथियों जैसे वाला हौसला अता फरमाए। वआखिरु दावान अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम सभी ने दोनों हाथ जोड़कर अरदास करनी है, सभी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। तुदा गे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव न जाने मेरा, तिन्ने ताप निवारण हारा, दुखंता सुखरास ताको विघन न को लागे, जांकी प्रभागे। अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई, ते आए फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण जी ते आई है जिस जिठिया सब दुख जाए, तेग बहादुर साहिब सिमरिया करनो उन्हें दया वह ताए, सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, सब थाई हुए सहाय, दसा पातशाहियाँ की आत्मक जोत, तन तन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके खालसा साहब बोलो जी वाहेगुरु। वाहेगुरु निमाणिया दे माण सतगुरु, नीताणिया दे ताण न्योटिया दी ओट सच्चे पातशाह वाहेगुरु। आप सतगुरों ने सैवन विंग के उत्ते दा तार पातशाह बहुत वड्डी महान बख्शिश की है, राफेल जहाज की रहमत करके सच्चे पातशाह देश नू दिन रात दुगनी चौगुनी तरक्की बख्शिश करनी सच्चे पातशाह। वायुसेना दे विच चल रहे बहादुरां दे शीश ते मेहर दा भरिया हथ रखना, देश नू सदा चढ़दियां कलां दे अंदर रखना, हर मैदान हर दीवान फतेह ही फतेह बख्शिश करनी, सब का भला करना, सैवन विंग नू सदा चढ़दियाँ कलां, देश नू सदा चढ़दी कला च रखना। सही गुरमुख प्यारे मेल जिन मेले आपदा नाम चित्ते आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। आपको बता दें कि फ्रांस से 29 जुलाई को 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंचे थे, लेकिन आधिकारिक रूप से ये गुरुवार को वायुसेना में शामिल हुए हैं। इस दौरान अंबाला के एयरबेस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। वायुसेना को फ्रांस से कुल 36 लड़ाकू विमान मिले हैं, जिसकी पहली किस्त में 5 विमान मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।